हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी सिचुएशन की जब कोई इंजरी होती है, चोट लगती है और उसके लगने के बाद आप देखेंगे कि हाथ में लगी तो इतनी ज़्यादा सूजन बढ़ गई कि वहाँ पे फफोले पड़ गए हैं, छाले निकल आए हैं। ऐसे ही फोरआर्म के अंदर इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई कि वहाँ पे छाले पड़ गए हैं। बच्चों के अंदर, एल्बो के अंदर ऐसा होता है और बहुत सारे यंग एडल्ट्स के अंदर लेग के अंदर ऐसी इंजरी होती है कि जिसकी वजह से सूजन इतनी ज़्यादा बढ़ती है, स्किन बिल्कुल शाइनी चमकदार हो जाती है और फफोले निकल आते हैं। तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अब कंपार्टमेंट सिंड्रोम का मतलब है कि एक कंपार्टमेंट है जो कुदरत ने हमारे अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर्स के अंदर बनाए हैं और जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भरते चले जाएंगे और एक समय के बाद जाके वो फट जाएगा, वैसे ही सिचुएशन कंपार्टमेंट के अंदर होता है। तो इस चीज़ को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके कोई ऐसी इंजरी होती है जिसके बाद स्वेलिंग बढ़नी शुरू हो जाती है और आप सोचते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तो एक बार डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, कहीं वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम की कंडीशन तो नहीं है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारे जो चैम्बर्स हैं, नेचुरल चैम्बर्स हैं, जो हमारे हाथ में हैं, हमारे फोरआर्म में हैं, एल्बो में हैं और लेग के अंदर हैं, अगर उनके अंदर एक पर्टिकुलर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। तो हमारे इन्हीं कंपार्टमेंट में नसें चलती हैं जो खून ले जाती हैं, खून वापस लेके आती हैं। ऐसी नसें चलती हैं जो आपको छूने का एहसास दिलाती हैं, हाथ को चलाने में, पैर को चलाने में मदद करती हैं। तो अगर इन तीनों स्ट्रक्चर के ऊपर, इन नसों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो उससे जुड़े हुए सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि अगर आर्टरी के ऊपर, जो कि दिल से अच्छा प्योर ब्लड लेके बाकी बॉडी पार्ट्स में जाती है, अगर उसके अंदर प्रॉब्लम होगी तो वहाँ की सेंसेशन चली जाएगी, वहाँ की पल्स चली जाएगी उस पार्ट की, धीरे धीरे वो हिस्सा काला या सफ़ेद पड़ना शुरू हो जाएगा, तो ये एक सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती है। इसी प्रकार से अगर वेन है जो यूज्ड अप ब्लड, जो ऑक्सीजन यूज्ड हो चुका है उस वाले को वापस हार्ट लेके आ रही है, अगर वो दब रही है उस हिस्से में, तो उसकी वजह से वहाँ सूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा और कलर चेंज हो जाएगा स्किन का। इसी प्रकार से नस दब गई तो आपके छूने के एहसास में कमी आ जाएगी और ताकत जा सकती है, जैसे हाथ के मूवमेंट चले जाएंगे, वो चलेंगे नहीं। तो ये एक सीरियस कंडीशन है और कई बार लिम्ब थ्रेटनिंग, यानी कि उस हाथ या पैर के जाने का खतरा हो जाता है और कई बार लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होने के बाद वो भी हो सकता है। तो इसलिए इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर जो ये प्रेशर बढ़ता है वो हम अलग अलग पार्ट्स में देखते हैं, जैसे लेग के ट्रॉमा की, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, आपकी बाइक से या कार से एक्सीडेंट हुआ और पैर में सूजन बढ़ती चली जा रही है, तो उस सिचुएशन के अंदर पैर में हमारे चार कंपार्टमेंट होते हैं, एक आगे, एक साइड में और दो पीछे की तरफ। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको किसी न किसी जगह डॉक्टर सलाह लेनी चाहिए, पैर को एलिवेट करना चाहिए, पंजे की उंगलियाँ चलती रहनी चाहिए ऐसे ही हाथ में, और ऐसी चीज़ों में कुछ कस के नहीं बांधना चाहिए, कस के बांधने से वहाँ प्रेशर और बढ़ जाता है, चाहे वो फोरआर्म में हो, हैंड में हो, लेग में हो। और मालिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि मालिश से टिश्यूज़ पे और ट्रॉमा होती है, उससे भी स्वेलिंग बढ़ जाती है। तो इस सिचुएशन को बहुत कायदे से समझने की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारे बच्चे पेड़ से गिर गए, उनकी एल्बो में फ्रैक्चर हो गया और आपने किसी ऑस्टियोपैथ को दिखा दिया, किसी पहलवान को दिखा दिया, उन्होंने ज़ोर से मालिश की, खींचातानी की और टिश्यूज़ में स्ट्रेच होकर स्वेलिंग बढ़ गई और फिर बाद में फफोले पड़ गए, तो ये सीरियस कंडीशन है, किसी का हाथ भी जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसी मालिश को अवॉइड कराना चाहिए। उसके अलावा प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस लेंगे तो पता चल जाएगा वो कौन सी स्टेज है। कई बार स्टेज इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि कंपार्टमेंट में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है तो एक सर्जरी करनी पड़ती है, जिसे हम फेशियोटमी बोलते हैं, जिसके अंदर स्किन और फेशिया को कट कर देते हैं ताकि जो प्रेशर, जो गुब्बारे के अंदर हवा भरती चली जा रही है, जो कंपार्टमेंट में हवा भरती चली जा रही है, उस प्रेशर को रिलीज़ किया जा सके। तो वो सर्जरी की जाती है और अलग अलग पार्ट के अंदर होती है। कैसे पता चले शुरुआती दौर में ही कि आप कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, अभी आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया है, तो अगर आप उस लिम्ब को स्ट्रेच करोगे और आपके उस जगह पेन हो रहा है तो वो एक सिम्टम है। अगर वहाँ पर आर्टरी की पल्सेशन नहीं आ रही है, कलर चेंज हो रहा है, वाइटनेस आ रही है, वहाँ पे पैरों में सुनपन जैसी, चींटियाँ चलने जैसी फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हो, या उंगलियों का चलना बंद हो गया कि नस पे इतना ज़्यादा दबाव पड़ गया है। तो ये सब कंपार्टमेंट सिंड्रोम के फीचर्स होते हैं। एक और नॉर्मल रूटीन सिचुएशन होती है जिसे हम क्रॉनिक एग्जर्शनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। जो लोग बहुत रन करते हैं, बहुत लंबे लंबे ड्यूरेशन तक, तो कई बार उनके अंदर इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है कि प्रेशर रन करने के बाद इतना ज़्यादा हो जाता है कि लेग के अंदर स्वेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और पेन होने लगता है। थोड़ा रेस्ट करते हैं तो आराम हो जाता है।
तो वो भी एक तरीके का कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। उसमें बहुत रेयरली कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, बट आपको रीज़न पता होना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी रनिंग हैबिट को बना के रखेंगे। तो आई थिंक ये बहुत ही सीरियस कंडीशन थी जिसकी जानकारी अगर आपको होगी तो उस किसी भी व्यक्ति का हाथ या पैर बच जाएगा, और हमें क्या नहीं करना चाहिए, पहलवान से मालिश ये चीज़ नहीं करानी चाहिए, और सिचुएशन को एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाइफ केयर। थैंक यू।